2023 वाली ओला में क्या ऐसा खास है जिसके तरफ आपको इसको जरूर लेना चाहिए, और क्या ऐसा नेगेटिव है जिसके तरफ आपको बिल्कुल भी इसको नहीं लेना चाहिए। मुझे इसको लिए हो चुके हैं पूरे 13 दिन और मैंने इसको 525 किलोमीटर या 550 किलोमीटर चला दिए। आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा और मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगे, तो मैंने खोज के 10 पॉजिटिव पॉइंट और 5 या 8 नेगेटिव पॉइंट निकाले ताकि आप सभी की हेल्प हो सके कि आप लोग को 2023 में ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपने अपनी ओला को बुक करा के रखा है या डिलीवरी अभी अभी ली है तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपकी गाड़ी हैंग मार जाएगी बीच में तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, और ओला लेने वाले हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो ओला है इसमें आपको पता है मोटा मोटी जो चेंजेस मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, इसमें आपको न्यू सस्पेंशन का सेटअप देखने को पड़ेगा जो कि थोड़ा सा मजबूत होने वाला, थोड़ा क्या बहुत ही मजबूत है। इसमें आपको न्यू चार्जर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, उसको आप अलग से जाकर देख सकते हैं। बाकी ये ओनरशिप रिव्यू होने वाला है 500 किलोमीटर पर, फिर मैं इसको 1000 किलोमीटर पे करूंगा। तो यही था इसका कुछ चेंजेस, अब हम चलते हैं इसके पॉजिटिव की तरफ। तो जो सबसे पहला पॉजिटिव है इसका वो है इसका हैंडलिंग ले लो, टायर का ग्रिप ले लो या न्यू सस्पेंशन का सेटअप ले लो, इतना स्मूथ सस्पेंशन है, इतना जबरदस्त ग्रिप है ना टायर का, आप कैसे भी रास्ते से अगर इसको निकालोगे तो बिल्कुल आपको खड्डे पता ही नहीं चलेंगे, मतलब गड्ढे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेंगे, गाड़ी एकदम स्मूथली आपकी निकल जाएगी। एज कंपेरिजन एक्टिवा ले लो, जुपिटर ले लो या कोई भी रेदर स्कूटी ले लो, उसके कंपेरिजन में ओला का जो कम्फर्ट है वो मेरी बाइक को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने FZ ओन करता, मुझे उसका कम्फर्ट ज़्यादा अच्छा लगता था, पर जब से मैंने ओला चलाया मैंने FZ चलाना ही छोड़ दिया, मुझे अब नॉइस से नफरत हो गया। मतलब ओला का स्मूथनेस इतना प्यारा है ना, आपको प्यार हो जाएगा अगर आप इसको एक बार चलाओगे, कोई भी रोड में आराम से चल सकती है। सेकेंड इसका पॉजिटिव है इसका जो डिस्प्ले का जो स्मूथनेस है वो बहुत ही प्यारा है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी का डिस्प्ले छू रहे हैं बाकी स्कूटी टाइप का, इतना स्मूथ डिस्प्ले है, मतलब आपके फ़ोन से ज़्यादा स्मूथ अगर मैं कहना चाहूँ, अगर 25 या 30 हज़ार के फ़ोन है उससे कंपेरिजन करो उतना ही स्मूथ आपको मिलेगा। अब 10-15 हज़ार के फ़ोन से कंपेयर करोगे तो उससे लाफ टाइम बेटर है, अब आईफोन जितना तो मैं नहीं बोल सकता। बाकी इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें आपको मैप भी देखने को मिल जाएगा जो कि अब बेटा वर्जन से हट गया, तो जिसकी जो स्मूथनेस निकल के आई है वो और अच्छी हो गई। अब इसके जो मैप है वो और ज़्यादा रिफाइन हो गए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके मैप को भी चलाने में, कोई भी हैंगिंग इशू नहीं है अब इसमें। जो इसका मुझे पॉजिटिव लगता है इसमें चार्जिंग सॉकेट पहले से ही दिया हुआ, आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो गाड़ी चलाते चलाते, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरा फ़ोन तो इसमें अगर मैं इसको आधा घंटा भी ड्राइव करूँ तो 20% आराम से चार्ज हो जाता है, मतलब 20 मिनट में 20% आराम से हो जाता है, और उतना गाड़ी की बैटरी पर भी इम्पैक्ट नहीं करता टाइप सी चार्जर के साथ अगर हम देखें। फोर्थ हमारा पॉजिटिव है इसका जो बूट स्पेस है वो इतना लार्ज है, मतलब कि मैं ग्रॉसरी का सामान लेने भी जाऊँ अपने फैमिली वालों के साथ तो कोई भी इशू नहीं आता, मुझे एक्स्ट्रा कैरी बैग लेने की भी जरूरत नहीं है, पूरा सामान इसके डिक्की में आ जाता है अगर ज़्यादा सामान नहीं हो तो। सामने की मैं बात करूँ, आप इसमें सिलेंडर नहीं रख सकते, बाकी आप कोई भी राइस का वीट का इसमें आराम से रख सकते हैं, वो आराम से आ जाता है। हम्प से बस दिक्कत ये है, आप इसमें फ्लैट बॉटम चीज़ रखने में बस दिक्कत जाएगा, वो आपको बाकी स्कूटियों में मिल जाएगा। ये इसका थोड़ा सा पॉजिटिव भी, थोड़ा सा नेगेटिव कह लो पर पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि इसका बूट स्पेस बहुत है, बैटरी की जगह आपको नीचे ही दे दी गई है, फिक्सेबल बैटरी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिफ्थ हमारा पॉजिटिव है इसमें आपको IP67 रेटिंग की गई है, जिसका मतलब साफ साफ मैं अगर आपको बताऊं तो ये डस्ट प्रूफ है और वाटर प्रूफ है, आप इसको पानी में डुबा दीजिए, नहला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए या धूल में रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला आपकी गाड़ी को, ना धूल से फ़र्क पड़ेगा ना बारिश से फ़र्क पड़ेगा, किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप रेगिस्तान में डुबा दो, इसको समुंदर में डुबा दो, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गाड़ी जैसे को तैसा रहने वाली है। सिक्स इसका जो पॉजिटिव है ये है इसका म्यूज़िक और म्यूज़िक की क्वालिटी, इसमें अगर आप गाना लगाओगे ना इतना मज़ा आएगा आपको, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका म्यूज़िक का क्वालिटी है। राजा 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 कोरे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा, जबरदस्त है वो भी, आपको वाटरप्रूफ स्पीकर देखने को मिलेगा, मैंने कल ही वॉशिंग का वीडियो डाला, आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसका जो म्यूजिक का क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त है, चलती गाड़ी में इतना तेज आता है मतलब आगे बाजू वाले लोगों का रिएक्शन आ जाता है, और अगर आप इसको घर में शांति से खड़ा करके भी बजाओगे तो आसपास के पड़ोसी को भी सुनाई दे देगा यार कौन सा डीजे बॉक्स बज रहा है। तो मतलब मेरा फेवरेट फीचर है, मेरा ओला लेने का मेन रीजन मैं कहूँ तो मेरे लिए म्यूजिक ही था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने कार में बिना म्यूजिक के मैं चलता नहीं हूँ। बाकी अगर आपके फादर वादर को थोड़ा उतना शौक नहीं है तो उनके लिए तो ऐसा नहीं है, बट आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और अभी न्यू अपडेट अगर MooOS 4 आ रहा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि FM रेडियो का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग FM से भी सुन सकते हो और साथ में ब्लूटूथ से भी सुन सकते हो। और
है इसका लुक्स, इसका जो लुक्स और जो डिजाइन है ना, वो इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत लोग, मैं जहाँ पे लिया हूँ वहाँ पे बहुत लोग मुझसे पूछ चुके कौन सी गाड़ी है, कैसा है, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त लुक है, लोगों का टेंशन इसमें आ जाता है। साथ ही में आपको 12 कलर्स देखने को मिलते हैं, आप अपना कोई भी फेवरेट कलर इसमें ले सकते हो, मतलब कोई भी निराश नहीं होगा कि उसका कोई फेवरेट कलर नहीं है। मुझे तो ब्लैक ही पसंद था तो मैंने ब्लैक लिया, आपको कौन सा पसंद है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 7th है इसका, जो इसका लाइटिंग है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि इसके जो लाइट है वो आपको अप टू द मार्क देखने को पड़ेगा, बहुत ही क्लियर विजन है। आप अगर इसको रात में ड्राइव कर रहे हो तो पूरा रोड आपको साफ दिखेगा क्योंकि LED लाइट लगाई गई है। TRL मुझे सबसे प्यारा लगता है क्योंकि वो रोबोटिक टाइप का लुक देखने को पड़ता है, तो बहुत ही लाइट के मामले में इसको मैं 10 out of 11 देना चाहूंगा। और 8th है इसका पावर और परफॉर्मेंस, जी हाँ, जो इसका पावर और परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अप टू द मार्क है, मतलब कि ये 0 to 100 की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 सेकेंड में इजिली पहुंच जाता है स्पोर्ट मोड में, और हाइपर मोड में तो मैक्सिमम 3 सेकेंड लेता है, मतलब कि हाइपर मोड तो जबरदस्त है, ड्रिफ्ट पड़ जाता है आपकी चलती गाड़ी में। हर एज के लोग अपने हिसाब से चला सकते हैं, अगर आपके घर में बड़े हैं तो आप उनको नॉर्मल मोड में दे दीजिए, बाकी हमारे लिए तो स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड बहुत ही जबरदस्त है, आप 2 मिनट में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, उससे पहले आप वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही रिव्यू ओला के ऊपर अब लाते रहूंगा। तो सबसे पहला नेगेटिव है इसका जो स्क्रीन है वो हैंग कर जाता है बहुत बार, तो इसका एक ही सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप हर सुबह उठ के इसको एक बार रिबूट कर दीजिएगा। रिबूट करने का तरीका सिंपल सा है, 10 10 सेकंड के लिए, आप 10 सेकंड के लिए आपको रिवर्स बटन को और पावर बटन को प्रेस करके रखना है जिससे आपकी गाड़ी रिबूट हो जाएगी, वरना आपकी स्क्रीन हैंग जरूर मारेगा, मेरा तो हर 2 दिन में मार देता है, तो इस वजह से मैंने हर सुबह उठ के ये करना चालू कर दिया 5 दिन से, तो अब मुझे कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ रहा। सेकेंड जो इसका इशू है, इसके मीटर से थोड़ा थोड़ा नॉइस आता है, जैसे कि कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, कॉइन एक दूसरे से टकरा रहा है, उसका भी सॉल्यूशन मैंने करा लिया है, वीडियो भी है मेरे पास, उसको बस डालना बाकी है, तो ये भी इसका नेगेटिव है, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा अगली वीडियो में बना के, तो आप वो देख लीजिएगा। इसका जो नेगेटिव है, इसका जो रेंज को लेके इशू है, जैसा रेंज आपको बताया जाएगा वो मैक्सिमम उतना रेंज आपको मिल ही नहीं सकता, अगर 140 बताया जा रहा है तो आप मान के चलिए आपको वो 110 ही मिलेगा, क्योंकि 20-30 किलोमीटर कहीं से नहीं मिलने वाला, अगर आप ये सोच के रहेंगे कि उतना ही मिलेगा तो आप निराश रहेंगे, बाकी आप मन में सोच लेंगे अगर 80 बता रहे हैं तो आप 60 ही मांग के चलिए, तो आपका गाड़ी आराम से चल जाएगा। जैसे मैं फुल चार्ज करता हूँ तो मेरे नॉर्मल मोड में अगर 100 किलोमीटर बता भी रहा है तो मैं मांग के चलता हूँ 80 चलेगा, तो मैं जैसे भी चलाऊँ तो 75 तक चलता हूँ और मैं सेटिस्फाई रहता हूँ कि हाँ ठीक है इतना ही, अगर मैं सोचूंगा 100 ही चलेगा तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो बाकी ये इसका नेगेटिव ही पॉइंट है, तो आप ऐसा समझ के मत चलिएगा, उसके लिए बहुत ही तामझाम करना पड़ता है, आपको बहुत ही धीरे चलाना पड़ेगा, ईको में ही रखना पड़ेगा। अब इसका जो 4th नेगेटिव है ये है इसका पावर कट, अगर आप ब्रेक को प्रेस कर देंगे तो आपकी गाड़ी की पावर कट हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, फिर लैग होता है 1-2 सेकंड का, जिससे पिकअप उठाने में दिक्कत जाती है और कभी कभी गाड़ी एकदम वही जगह पर रुक जाती है एकदम माइनर सेकेंड के लिए, आपको पता नहीं चलेगा बट थोड़ी बहुत दिक्कत है इसकी। बिल्ड क्वालिटी इसकी फाइबर बॉडी मिलती है, अगर गलती से टकरा गई तो 2 टुकड़े में तो नहीं टूटेगी, मतलब फाइबर इसका 2 टुकड़े में टूट जाएगा, अंदर से गाड़ी बहुत मजबूत है, 130 किलोग्राम का गाड़ी का वेट है। बिल्ड क्वालिटी फाइबर के कारण बेकार है, बाकी अंदर से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और मजबूत है और हैवी है, इस वजह से इसका बैलेंसिंग बहुत अच्छा बनता है। जो हमारा लास्ट नेगेटिव है वो है इसका जो नो की का फीचर है, मतलब आपको की इसमें देखने को कोई भी फिजिकल की देखने को नहीं मिलती है, तो कोई भी बच्चा इसका स्क्रीन छेड़ सकता है या कोई बड़ा भी छेड़ सकता है, मतलब आजकल आप जानते ही हो, तो इसको आप ऐसी जगह पार्क नहीं कर सकते जहाँ पे वैसे टाइप के लोग रहते हो जहाँ से आपको खतरा रहे, बाकी कहीं भी आप इसको रखोगे तो आपको दिक्कत तो रहेगा, बाकी आप इसको अच्छी जगह पार्क करो कोई भी नहीं छेड़ने वाला। और इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो इजिली खुल जाता है, मतलब प्रेस करोगे तो खुल जाएगा, तो सबसे बड़ा दिक्कत तो मुझे यही लगता है। तो यही था इसका कुछ नेगेटिव, और ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना, बाकी जितना भी प्रॉब्लम होगा मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन बता कर दूंगा। मिलता है आपको फिर किसी वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।